हेलो दोस्तों, हमारे थ्योरी एग्ज़ाम अब कवर अप हो चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर। सो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे BCA फर्स्ट सेम का कंप्यूटर बेसिक्स एंड PC सॉफ्टवेयर लैब के बारे में। ठीक है, तो उसमें आपके पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, आउटलुक आता है, एंड देन आपका लाइनेक्स आ जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वाइवा के क्वेश्चन, जो कि आपका 20 मार्क्स को कैरी करता है। आपका 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है, जिनमें से 80 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल आपको PC पे करके दिखाना होता है, और आपका 20 मार्क्स कैरी करता है वाइवा के लिए। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वाइवा के लिए बेसिक बेसिक वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं, और प्लस इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि प्रैक्टिकल्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो कि हर एक बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर पॉइंट के बारे में। तो इस पे आपके 3 नोट जो आते हैं, आपका स्पीकर नोट, स्लाइड नोट एंड वीडियो नोट। ये जो तीनों नोट हैं, ये हर एक बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इस पे आपको वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाकर दिखाना होता है, और इसके साथ ही वो आपसे पूछ सकते हैं वाइवा के रिलेटेड में कुछ भी क्वेश्चन, जैसे आपने इसे कैसे क्रिएट किया, इसके आप स्टेप्स बताओ, समथिंग लाइक दैट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है पावर पॉइंट के स्लाइड्स पर, उस पर आप एनिमेशन का इफेक्ट कैसे डाल सकते हो। नेक्स्ट फिर है कि उन्हीं प्रेजेंटेशन पे आप साउंड का इफेक्ट कैसे डाल सकते हो। फिर देन उन्हीं पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन पे आप टाइम बेस्ड ट्रांजेक्शन का कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन उसके बाद अब हम आते हैं एक्सेल पे। गाइस, एक्सेल में क्या है कि आपको एक लेंथी सा क्वेश्चन दिया रहता है। बेसिकली वो आपका टफ नहीं होता। उसमें जैसे एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह होंगे, तो उसको आपको एक्सेल में बना के दिखाना था है। और प्लस उसमें आपको फॉर्मूलाज के थ्रू, जैसे अगर मार्क्स है तो उसका सम करके दिखाना होगा, या फिर आपको एवरेज दिखाना होगा, या फिर आपको परसेंटेज निकालना होगा, या फिर आपको ये तीनों निकालने होंगे। ठीक है, तो इन्हीं के ऊपर में वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपको मैक्सिमम सैलरी या फिर मिनिमम सैलरी आपसे पूछी जाएगी। फिर इसी के ऊपर में वो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सेल के शीट में मैक्सिमम कितने रो, कितने कॉलम। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं। एंड देन आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो भी अभी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो एक्सेल का, उसमें आपका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। देन फिर हमारा नेक्स्ट आता है आउटलुक में। आउटलुक में क्या है कि बेसिकली अगर एक सिंपल सा हम चीज़ देखें, तो उसको हम मेल सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं, बट उसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उस पे ये आपका है। तो फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑफ द ईमेल, हाउ टू ऐड योर सिग्नेचर टू एन ईमेल का मैसेज के साथ में आप अपने सिग्नेचर को कैसे ऐड कर सकते हो। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, आपका जो भी मेल है उसमें आप किसी नए कॉन्टैक्ट को कैसे आप ऐड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू मेक अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स कर सकते हो। देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ टू सेटअप एन अलर्ट ऑन डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पे कोई भी आपको अलर्ट सेटअप करना है उसको आप कैसे कर सकते हो। एंड देन आपका लास्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन हाउ टू मेक याहू ग्रुप और गूगल ग्रुप, आप एक ग्रुप कैसे क्रिएट कर सकते हो। देन गाइस, अब हम आते हैं MS वर्ड पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, तो जैसे कि मैंने आपको मैंने पीछे भी बताया कि लेटेस्ट वर्जन आपसे पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ आप एक बारी देख के जाना। देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू क्रिएट टेबल, फिर उसको ऐड करना, फिर टेबल सबसे पहले क्रिएट कैसे करना है, उसमें आपको अगर आपको रो रो या कॉलम आपको ऐड करना है तो वो वाला काम कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें अगर आपको कुछ डेटा डालना है तो वो वाला काम करना कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्राई करना है। तो इसका आपका
वो वाइवा के लिए भी पूछ सकते हैं और प्लस आपसे बनवा भी सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिपुलेशन विद इमेज एंड टेक्स्ट। ठीक है, वो आपको एक टेक्स्ट दे देंगे या आपको एक पिक्चर दे देंगे और बोलेंगे कि उसी पोर्शन में वो पिक्चर रहना चाहिए, वो पिक्चर आपका मूव ना करे और प्लस वो टेक्स्ट आपका मूव करे। ओके, लाइक दिस लाइक दिस। जैसे कि ये आपका पिक्चर है और ये आपका फर्स्ट वाला पैराग्राफ का टेक्स्ट है। अगर ये टेक्स्ट आपका पिक्चर के राइट साइड पर ही आए, नीचे के साइड में ना आए, ओके, ये आपका पिक्चर एक साइड में फिक्स हो जाए और ये आपका टेक्स्ट आ जाए और ये जो है नीचे वाले आपके टेक्स्ट, ये आपका सेकंड पैराग्राफ बन जाए, तो अगर वो आपको ऐसा करने के लिए देते हैं देन आपको उसको शो करना है। तो गाइज इसका इसका तो मैं आंसर आपको मैं बता देती हूँ कि आप जब पिक्चर के फॉर्मेट वाले बार में जाओगे देन वहाँ पे जाकर आपको जहाँ पे स्क्वायर वगैरह का ऑप्शन आता है वहीं पे आपको एक टाइट का ऑप्शन होता है, तो आप जब पिक्चर को टाइट कर दोगे तो ये पिक्चर आपके यहाँ पे फिक्स होगी और देन उसके बाद में आप यहाँ पे इमेज जो भी टेक्स्ट लिखोगे टेक्स्ट आपका यहाँ पे फिक्स अपने आप से वो फिक्स कर लेगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ऐड हेडर एंड फुटर टू योर पेज। देन नेक्स्ट है हाउ टू ऐड पेज नंबर डेट वाटर मार्क एंड फुट नोट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पेज पर दिखानी है कि आप पेज नंबर डेट वाटर मार्क फुट नोट्स आप कैसे बना सकते हो, पेज में आप डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका हाउ टू यूज मेल मर्ज एंड हाउ टू डिज़ाइन अ फ्लायर। गाइज ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपके प्रैक्टिकल्स के लिए और वाइवा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिएगा। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं अपने यूनिक्स पे, मीन्स कि लाइनेक्स पे, इसको आप लाइनेक्स भी बोल सकते हैं और यूनिक्स भी। तो इस पे आपके मोस्टली तो आपके आपके कमांड पूछे जाते हैं, बट उससे पहले आपका एक स्क्रिप्ट पूछा जाता है जो कि बेसिकली एक प्रोग्राम है, तो उसके ऊपर में वो कुछ भी दे सकते हैं, दो नंबर को ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर कुछ कुछ एक लाइन जैसे हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट कराने के लिए दे सकते हैं, तो वो इस पे कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम दे सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है लाइनेक्स का कमांड आता है, जिनमें आपके मोस्टली जो जो कमांड काफ़ी पूछे गए हैं मैंने उनको यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो इससे वो आपको वाइवा के लिए भी वहाँ पे पीसी में प्रैक्टिकल करवा सकते हैं या आपसे ओरल भी वाइवा वो लोग इसका ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका है डेट ग्रैप DF मैन CH मोड LS LS हाइफन L कैट DIR CMP हु फिंगर WC DIR PWD CP। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि व्हाट इज कर्नल एंड व्हाट इज शेल। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये भी मोस्टली पूछे जाते हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल का सेशन जिनमें हमने कवर अप किया है थ्योरी जो कि बेसिकली BCA के फर्स्ट सेम के लिए है बेसिकली, क्योंकि बाकी सेम वालों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है बट BCA फर्स्ट सेम के लिए अब भी सब कुछ न्यू है, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि हमें कैसे वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है या फिर कैसे हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो अभी ये प्रैक्टिकल्स के ऊपर में मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो आई थिंक अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं तो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आई होप कि आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएं और हम आगे भी अभी वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ कीप विजिटिंग।